हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी स्वीट सी डिश, सेवई की खीर। जैसा कि आप सबको पता है, सावन स्टार्ट हो गया है, तो सावन में हम कुछ मीठा बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। सेवई बनाने के लिए मैंने लिया आधा कटोरी सेवई। एक पैन लेंगे, इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून घी। आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन घी में अगर हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। घी अच्छे से मेल्ट हो गया, अब जो सेवई हमने ली है वो इसमें डाल देंगे और बिल्कुल स्लो गैस पर इसे अच्छे से भून लेंगे। सेवई जल्दी ही भून जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। स्लो फ्लेम पर भी ये 5 से 7 मिनट के अंदर ही भून जाती है। तो देखो ये अच्छे से भुन गई है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने वही पैन लिया है, पैन में मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क। आप कोई भी मिल्क यूज कर सकते हैं जो भी आपके घर में आता है। मिल्क को अच्छे से बॉईल होने देंगे, इसमें से थोड़ा सा मिल्क हम निकाल लेंगे। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा मिल्क निकाल लिया है जिसका हम यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। अभी हम इसे ऐसे ही बॉईल होने देंगे। गाइस, जो ये पैन था इसमें मिल्क बाहर निकलने लगा था, इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम मिल्क में अच्छे से उबाल आने देंगे। ये देखो मिल्क में अच्छे से उबाल आ गया, हमने जो सेवई ली थी। अब हम सेवई इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाएँगे। कई बार ऐसा होता है ये फट भी जाते हैं, तो इसे चलाते रहना चाहिए। सेवई को मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती इसे ऐसा ही चलाते रहेंगे। और जो हमने मिल्क निकाला था उसमें मैं 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर मिलाऊंगी, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और जो हमारा वो जो पतली है वो थिक हो जाएगी। तो मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखो अच्छे से बॉईल आ गया है, सेवई हमारी अच्छे से बन गई है। अब इसमें हमने जो मिल्क पाउडर मिक्स किया है उसे ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुठलियाँ भी बन जाती है कई बार। हम मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छे से चलाएँगे और इसे अब एक बॉईल आने तक अच्छे से पकाएँगे। देखो अच्छे से बॉईल आ गया है, सेवई हमारी बन गई है। हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करेंगे, हम केवल सिंपल तरीके से ही सेवई बनाना आपको बताया है। अगर आपको ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं तो आप कोई भी अपने पसंद से ड्राई फ्रूट डाल लेना। अब मैंने इसमें डाला है शुगर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कितना भी शुगर डाल सकते हैं। और आप शुगर की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं, जो गुड़ से बनी होती है, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बताना गाइज आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है आपको। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।